अब हमारा टॉपिक है भारत के राज्य यानी उसके फसल। यहाँ पे फसल होना चाहिए था, भारत के फसल कौन सा, किस राज्य का स्पेशल फसल है, इस बारे में हम देखेंगे। क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है और फसल आपका दिया हुआ है जीके में। इधर साइड में आपका फसल दिया है, फसल का नाम, और इधर साइड में आपका दिया है राज्य का नाम। फिर इधर हमने डिवाइड कर दिया है क्योंकि इधर नहीं आएगा। तो अब हम देखेंगे पहला पहला है आपका केसर। केसर किस राज्य का है? तो केसर आपका होता है जम्मू कश्मीर का। अच्छा, पूछता है, क्वेश्चन बनता है कि केसर का कौन सा जो है भाग हम खाते हैं, तो उसका जो होता है ना पुंग केसर, वो हम खाते हैं, ठीक है। उसकी जो रेशे होते हैं फूल के अंदर, वो हम खाते हैं केसर के। तो केसर आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। और प्याज हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आपका प्याज। और एक और चीज है आपका काजू। काजू और प्याज महाराष्ट्र का स्पेशल फसल है। फसल इसमें फसल और जो भी फ्रूट्स वगैरह है आपके सारे मिक्स होंगे, तो इस पे ये मत जाइए कि फसल नहीं है, तो ये सारे मिक्स होंगे इसमें। आप देखेंगे प्याज और काजू आपका महाराष्ट्र हो गया। लहसुन जो होता है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश में ज्यादा पाया जाता है लहसुन, ठीक है। फिर आता है आपका काली मिर्च। काली मिर्च आपका केरल से है, और काली मिर्च के साथ आपकी जो छोटी वाली इलायची आती है हरी, जो हम चाय वगैरह में डालते हैं, तो वो काली मिर्च और इलायची छोटी वाली, ये कहाँ मिलती है? तो ये केरल में स्पेशली मिलती है। अगला है आपका बांस। आप जानते हैं, आपने अगर सीटेट या यूपीटेट का पेपर दिया होगा तो उसमें ईवीएस में पूछता है कि बांस के जो घर बना के रहते हैं, बांस के उससे डंडे पे ऊंचाई पे जो बना के रहते हैं, तो कहाँ पर बना के रहते हैं? तो ये असम में, क्योंकि वहां पे जो है असम में बांस ज्यादा होता है, और असम में बांस का घर बनाकर लोग रहते हैं, बांस के ऊपर ही घर बना लेते हैं अपना। तो ये आपका स्पेशल हो जाएगा बांस, आपका असम से हो जाएगा, और बिहार से आपका हो जाएगा लीची, ठीक है। बिहार का आपका हो जाएगा लीची। फिर आपका आता है यहाँ पे छोटी इलायची। और छोटी इलायची आपका, अभी मैंने बताया छोटी इलायची हो या काली मिर्च हो, ये आपका केरल से होता है, ठीक है, केरल से। बड़ी इलायची आपका सिक्किम से होता है। सिक्किम आपको पता है, अधिकतर हम अगर मसालों के बारे में बात आती है तो हमारा माइंड दक्षिण में जाता है, लेकिन हो सकता है आपका बड़ी इलायची में भी आपका माइंड यहाँ पे दक्षिण में चला जाए। लेकिन आपको ध्यान देना है, अगर आपसे बड़ी इलायची पूछता है तो आपको पूर्वी उत्तर में जाना है, और यहाँ पे आपका आता है सिक्किम। और सिक्किम आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, बड़ी इलायची के लिए जाना जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया ताकि आप मुझे देखें और समझ जो है आपके माइंड में एक स्केच बन जाए, ठीक है। तो बड़ी इलायची आपका कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में, ठीक है। अगला है आपका मिर्च, और मिर्च आपका पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। तो इसको तो इजी है आपका मिर्च, ठीक है। यहाँ से आपका काजू, यहाँ से आपका काजू मिला, आपका प्याज मिल जाएगा महाराष्ट्र से, फिर आपका मिला यहाँ से जो है आपका मिला काली मिर्च मिल गया केरल से, और आपका छोटी इलायची केरल से मिल गया। यहाँ आंध्र प्रदेश से आपको क्या मिल गया? तो आंध्र प्रदेश से आपको मिर्च मिल गया, ठीक है, मिर्च मिल गया आंध्र प्रदेश से। और सिक्किम से आपको क्या मिल जाएगा? बड़ी इलायची, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। चलिए फिर आपका आता है क्या? धान। अच्छा, धान के लिए आप सभी जानते हैं कि आपका पश्चिम बंगाल जाना जाता है धान की खेती के लिए। केला आपका तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है। केला आप देखते ही, आप जो है केरल में जाएंगे, लेकिन केरल और तमिलनाडु में आपका केला आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, और कसावा भी आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। तो ये वो फसल है जो आपके राज्य के जो है स्पेशल फसल है, कि किस राज्य का कौन सा स्पेशल फसल है, ये यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसी लगी आपको आज की क्लास। और चैनल पर अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि जितनी भी मैं क्लास डालूं आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाया करे। जिन्होंने भी अभी तक पेट की क्लासेस नहीं की है तो अभी आपके पास पर जो है सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है, तो एक दिन में आप सारे रिवीजन कर सकते हैं अगर चाहे तो सारे रिवीजन जाकर कर लीजिए आप। और जो है आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आज पीडीएफ डाल दूंगी सारे के सारे जितने भी थे, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे और ये आप जरूर बताएंगे कि कैसे लगी आपको क्लास, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।